तो दोस्तों, नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे जो है बहुत ही बड़ा 700 किलोमीटर का 6 लेन एक्सप्रेसवे भारत में बन चुका है, जिसका फर्स्ट फेज अभी 500 किलोमीटर से ज़्यादा का नागपुर से शिरडी का ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और महाराष्ट्र का तीसरा बड़ा शहर और उपराजधानी नागपुर को जोड़ेगा। ये महाराष्ट्र राज्य के समग्र सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए एक समृद्धि गलियारा बन जाएगा। ऐसा बढ़िया प्रोजेक्ट और बढ़िया प्लानिंग के साथ ये बना हुआ है, जिसमें महाराष्ट्र के 10 से ज़्यादा जिले डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि नागपुर, वर्धा, अमरावती, जालना, औरंगाबाद, ठाणे ऐसे, और इसके साथ साथ 14 ऐसे भी ज़िले कनेक्ट होते हैं जो इनडायरेक्टली कनेक्टेड रहेंगे इस एक्सप्रेसवे से। इंडिया ने कोरिया से भी कुछ टेक्नोलॉजी लाई है, जिसमें जिसे इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बोला जाता है, और टोल मैकेनिज्म के लिए जिसको कोरिया से इंपोर्ट किया है। और ये एक्सप्रेसवे बनने में करीब करीब 16 कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, किसी को 40 किलोमीटर का, किसी को 50 किलोमीटर का, किसी को 30 किलोमीटर का, ऐसा करके। और इसमें लाइक बड़ी बड़ी कंपनियां ने कंस्ट्रक्शन किया है, NCC, डिलिप, बिल्डकॉइन, L&T, ऐसी कंपनियों ने मिलके प्रोजेक्ट बनाया है। और करीब करीब 2017 में इसका काम शुरू हुआ था, और अभी 2022 में 4-5 साल के अंदर ही ये प्रोजेक्ट काफ़ी फास्ट स्पीड से कंप्लीट हो चुका है लगभग, जिसका दिसंबर 2022 में फर्स्ट फेज का इनॉग्रेशन होगा मुंबई वर्धा नागपुर से लेके शिरडी तक, और उसके बाद शिरडी से लेके मुंबई का इनॉग्रेशन अगले 5-6 महीने में हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे पे लगभग 120 किलोमीटर की स्पीड रखी गई है कार की, और ट्रक की स्पीड रखी गई है करीब करीब 80 किलोमीटर की। हालांकि ये एक्सप्रेसवे कैपेबल है 150 किलोमीटर तक गाड़ियां चलाने के लिए, बट ऑफिशियली इसकी लिमिट 120 किलोमीटर रखी गई है। और जगह जगह CCTV कैमरास का भी इंतज़ाम होगा इसमें, और ये काफ़ी रास्ता फास्ट कर देगा दोस्तों। अभी फ़िलहाल अगर आपको नागपुर से मुंबई जाना है या मुंबई से नागपुर आना है, तो करीब करीब 16 घंटे का समय लगता है। इस एक्सप्रेसवे में ये समय करीब करीब 8-10 घंटे का हो जाएगा। और जैसे कि फर्स्ट फेज में नागपुर से शिरडी स्टार्ट हो रहा है, तो नागपुर से शिरडी का रास्ता करीब करीब 11-12 घंटे लगता है, जो कि सिर्फ 5-6 घंटे या 7 घंटे के अंदर आराम से नॉर्मल स्पीड, एवरेज हाईवे की एवरेज स्पीड से ये कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट की और एक खूबिया है कि इस प्रोजेक्ट के 700 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे में बीच में लगभग 19 नए टाउनशिप भी डेवलप किए जाएंगे, साथ ही साथ हर 5-5 किलोमीटर पे टोलिंग बूथ वगैरह होंगे, तो जो कोई भी आपको इमरजेंसी हेल्प लगती है तो आपके पास इमरजेंसी कॉन्टैक्ट या टोलिंग के लिए वो हेल्प रहेगी। काफ़ी जगह जगह पे CCTV कैमरास रहेगी। साथ ही इस रास्ते में करीब करीब 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, जो है काटेपूर्णा अभयारण्य अकोला का, सोहोल का, वाशिम का करीब करीब 29 किलोमीटर का अभयारण्य, अकोला का भी करीब करीब 29 किलोमीटर का ही है, और 45 किलोमीटर का ठाणे का तानसा अभयारण्य इस एक्सप्रेसवे के बीच में आता है। तो लगभग 120 किलोमीटर या 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा ये एक्सप्रेसवे के बीच में अभयारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ रही थी, तो ये काफ़ी मतलब फ्यूचर में काफ़ी एक्सीडेंट हो सकते थे एनिमल्स के या वन्य जीवों के, लेकिन इसको ख्याल में रखते हुए स्पेशली प्राणियों के लिए यहाँ से अंडरपासेस बनाए गए हैं, ब्रिज बनाए गए हैं, तो ताकि आसानी से जो वन्य जीव है इधर से उधर आ जा सके, और रास्ते पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ना ही वन्य जीवों को कोई डिस्टर्बेंस हो, क्योंकि वन्य जीवों के एक्सीडेंट या ये होना हाईवे पे आम बात है, लेकिन इसी चीज़ का बहुत ही अच्छे से ख्याल दिया गया है, और ये सीरियस इशू को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया गया है, ताकि ये वन्य जीवों को कोई भी तकलीफ नहीं होगी, इस एक्सप्रेसवे से कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा। साथ ही इस एक्सप्रेसवे टूरिस्ट के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा दोस्तों, क्योंकि
जैसे आपको शिरडी जाना है, बेरूल जाना है, लोनार जाना है, त्र्यंबकेश्वर जाना है, अजंता जाना है, तो आप इस रास्ते का इस्तेमाल कर सकोगे। तो एक्सप्रेसवे से आपका काफ़ी रास्ता टूरिज़्म का आसान हो जाएगा। और इस पूरे रास्ते पे लगभग 12 लाख पेड़ पौधे लगाए गए हैं दोस्तों। कई पेड़ पौधे रास्ते के बीच में, कई आजू बाजू में, दोनों साइड में लगाए गए हैं। जैसे कि 6 लेन एक्सप्रेसवे है तो 3 लेन जाने के लिए, 3 लेन आने के लिए है, और बीच में डिवाइडर है, तो वहाँ पे भी काफ़ी पेड़ पौधे लगाए गए, आसपास भी लगाए गए हैं, स्टार्टिंग में भी, एंडिंग में भी। एक्सप्रेसवे में काफ़ी जगह फूड प्लाजा भी हो गए, ताकि अगर आपको कुछ खाना पीना हो, कुछ रुकना हो, तो रेस्टोरेंट या फूड प्लाजा रास्ते के बीच में, मतलब एक्सप्रेसवे में हो गए, जहाँ स्टॉप होगा या इंटरचेंज होगा वहाँ, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। करीब करीब 65 फ्लाईओवर और 24 इंटरचेंजेस। जैसे आपको सिटी में आना है और आपको एक्सप्रेसवे से निकलना है, तो इंटरचेंजेस रहेंगे जहाँ से आप निकल के सिटी में आ सकते हो, या सिटी से एक इंटरचेंज से का यूज़ करके एक्सप्रेसवे पे आ सकते हो और फिर आगे का रास्ता कर सकते हो। और इन एक्सप्रेसवे में औरंगाबाद का जो इंटरचेंज है वो बहुत ही खूबसूरत दिखेगा दोस्तों, क्योंकि ये औरंगाबाद, जैसे संभाजीनगर भी बोला जाएगा इसको, ऑफिशियली संभाजीनगर शायद इसका नाम हो जाए। इस संभाजीनगर के पास जो इंटरचेंज आ रहा है, ये लगभग 350 किलोमीटर संभाजीनगर का एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज मुंबई से भी होता है, लगभग 350 किलोमीटर नागपुर से भी होता है। तो ये बीच में होगा लगभग पूरे एक्सप्रेसवे के, जो 701 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे, और ये बहुत खूबसूरत बनाया गया है। साथ ही साथ पहाड़ियों को काट के अंदर सुरंग बना के करीब करीब 6 जगह सुरंग बनाई गई है इस एक्सप्रेसवे पे, तो ये लेवल से डिफ़िकल्ट कंस्ट्रक्शन भी किया गया है। साथ ही 400 से ज़्यादा व्हीकल अंडरपास है इस एक्सप्रेसवे के बीच में, जिसमें आपकी गाड़ियाँ या व्हीकल जो है एक्सप्रेसवे से भी नीचे से अंडरपास से पास हो सकती है, ताकि कोई एक्सप्रेसवे पे भी ट्रैफिक का डिस्टरबेंस नहीं होगा, ना ही जो रेगुलर ट्रैफिक है सिटी का वो डिस्टर्ब होगा। साथ ही 300 से ज़्यादा पैदल वाले भी अंडरपास है, तो काफ़ी खूबसूरती से, समझदारी से, और इंडिया की काफ़ी अच्छी से टेक्नोलॉजी प्लस इंजीनियरिंग यूज़ करके, इवन जो सीमेंट और कंस्ट्रक्शन का जो प्रपोर्शन होता है, जैसे सीमेंट का, गिट्टी का और पानी का जो प्रपोर्शन होता है, वो भी कंप्यूटराइज फॉर्म से ऑटोमेटेड कैलकुलेट करके उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया है, ताकि बेस्ट क्वालिटी मिल पाए, अच्छे से अच्छा क्वालिटी से ये एक्सप्रेसवे तैयार हो पाए। तो काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्ट है दोस्तों। आप अगर चाहो तो आप भी आपके रिव्यूज़ दीजिए और कमेंट सेक्शन में डालिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर और भी दोस्तों को आप ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो तो आप ये शेयर कर सकते हो और उन्हें भी इस जानकारी का फ़ायदा लेने दे सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, थैंक यू।